हेलो everyone. Let's start today's session. सेशन एंड अपॉलोजी फैक्ट्स अब डिले चले अजान की वजह से थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ा तो जनाब एग्जाम इज़ टमारो और आई विल नाट टेक मोर टाइम एंड छोटी छोटी टिप्स हैं जो कि आप भूल जाते हो और बहुत ज़रूरी हैं बस वो आपको देनी है ठीक है तो ये लास्ट मोमेंट टिप्स हैं और ये लास्ट मोमेंट पर ही सूट करती हैं तो इसलिए वी आर हेयर तो कुछ रिमाइंडर हैं प्लीज़ और रिमाइंडर्स ये हैं कि टॉपिक्स जो मैं ये चाहूंगी कि इफ यू हैव वन टू आवर्स, आप अगर आ, मैनेज कर सकते हो तो ये जो जितने स्कोरिंग वाले क्वेश्चन है ना प्लीज इनको देख लीजिएगा ये बड़े बुलटाइल होते हैं और ये दे आर जस्ट लाइक मैथ इनको अगर आप एग्जाम से एक दिन पहले ही रिवाइज करोगे तो यू कैन अटेम्पेल वरना भूल जाते हैं ठीक है तो आ, आप पर चाहें तो रिस्पेक्टिव पर अपने ग्रुप्स ओपन कर लें मतलब स्टार्ट फ्रॉम योर ऑनकॉलोजी ग्रुप मेडिकल और फिर इन्फेक्शन तो वहां से भी आप क्विकली एक एक घंटा देके वो कार्ड्स रिवाइज कर सकते हैं और अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो ये तो बहुत ही ज़रूरी है कि लाइक ये चीजें तो आप ज़रूर देखिए ठीक है लास्ट मोमेंट पे और जो स्कोरिंग आपको तंग करने वाली है वो जी की है आप इसको हज़ार दफ़ा करेंगे हजार दफ़ा भूलती है बी स्कोर है टेन टाइम्स भी कर लें इन्हें भूली जाना है तो आज करेंगे तो फिर ज़्यादा फ्रूटफुल है आई यू जी आर ये ये सारी एक जैसी लगती हैं यू नो एस्पिरिन है you know, एस्प्रिन की इंडिकेशन हाइपरटेंशन में कब प्रीक्लम्शन के लिए आपने देनी है ठीक है ये वी टी आई यूटीआर ये और आई यूजीआर में जो का एक स्कोरिंग टेबल है वो तो ये बहुत भूलते हैं ये वो टेबल्स हैं जो आपने आज के दिन ही रिवाइज करने थे ठीक है डायबिटीज में जो इंडिकेशन है कब आपने ओजीडीटी करना है और एसओजीपी और जो नाइस का कंपैरिजन टेबल है ये ठीक है ये आज के दिन ही रिवाइज करने वाली बात है ठीक है इसके बाद आई अनिमिया टाइपिंग बहुत इजी भी है मतलब जरूरी नहीं है करें लेकिन ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जो टॉप पे मैंने लिखे हुए है। हैं ठीक है तो हार्डली इट विल टेक यूर टेन और फिफ्टीन मिनट्स बट ये स्कोरिंग आपने आज भी करनी है और जब आप सुबह उठेंगे इफ यू कैन मैनेज यू नो थ्री और फोर मिनट्स तो एक दफा और देख लीजिएगा डेफिनेटली एग्जाम में इनमें से तीन से चार क्वेश्चन आने ही आने हैं और मेजोरिटी की खराब करके आती है yeah. ओके okay, तो ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है सॉरी म्यूट हो गई थी अच्छा तो बाकी चीज़ें आप पे डिपेंड करती हैं आपको जो भी वीक लगता है फिर आप देख लीजिएगा लेकिन ये चीज़ें तो ना टॉप प्रायोरिटी हैं ठीक है थीके? और जो अदर देन दिस है मतलब कैटेगरी बी में मैं रखूंगी वो आपकी लाइक वैल्यूज एंड डायबिटीज़ में शुगर लेवल्स हैं सी टी जी एक दफा देख लीजिएगा रेड और एम्बर uh, लेकिन मैं फिर भी कहूंगी कि री नॉन री के साथ रिलेट करके आइएगा क्योंकि पूल सारा रिश्योरिंग नॉन रिश्योरिंग के साथ है ठीक है अच्छा जैसे हम पहले भी डिसाइड कर चुके हैं बायोफिजिकल इसके ये भी स्कोर के साथ ही आ जाएगी विशप ये भी स्कोर के साथ आ जाएगी एपकर भी आ जाएगी ठीक है तो ये सारे देखिए ना स्कोर ही मैंने आप लोगों के लिए छांट के रखे हैं कि इनको आप देख लीजिएगा इनको कंपाइल करके एक फाइल बना के मैं शेयर भी कर दूंगी ताकि आप लोगों को ढूंढने की दिक्कत ना हो ठीक है ब्रीच इसे भी बहुत भूलता है ये एक दफ़ा देख लीजिएगा बाकी आई एम श्योर कि ये आपके लिए इजी होगा थोड़े से क्लीनिकल। है तो ये मेरी तरफ से यू you नो know, एक रिक्वेस्ट है कि ये स्कोर जरूर करके जाएगा चाहे आपको अच्छे से भी आते हैं ठीक है चलो फिर ये तो लास्ट मिनट आपके टॉपिक्स चेक हो गए फिर एक और इम्पोर्टेंट बात है कि आपने ये जो रात है ये कैसे गुजारनी है देखो ये रिवीजन जैक्स मैंने बता दिया बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी रिवीजन की ना आप रखिए जो ड्यूबल प्लान है वो बस यही है जो टॉपिक्स मैं बता रही हूँ इससे ज्यादा आप कर नहीं पाओगे ठीक है करना भी नहीं है तो इसके बाद आपने जो दूसरा इम्पोर्टेंट काम है ना वो है साउंड स्लीप क्योंकि अगर आपकी नींद अच्छी है हर वो चीज जो आपने लास्ट थ्री सिक्स मंथ में भी पढ़ी है और आपने रिवाइज नहीं की आप उसको फिर भी समहोर रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और अगर नींद अच्छी नहीं है तो आप के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा वरना चीजें पढ़ी आपको फोगी फोगी लगेंगी ठीक है ओके okay, तो अच्छा आ, वैसे ये ये वाला जो आ, स्लाइड है वो सबके लिए नहीं है ठीक है कुछ आ, कुछ यू नो डि जो उनको ज़्यादा स्ट्रेस फील होती है उन उनके लिए मैं बात कर रही हूँ कि वो स्ट्रेस को कैसे मैनेज करेंगे रात को अगर नींद नहीं आती तो कुछ टिप्स हैं उसके लिए ऑनवर्ड uh, नो अगर इफ़ यू विल आस्क मी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रही है तो चॉकलेट खा लें बड़ा अच्छा इसमें मूड स्टेबिलाईजर्स रोटे इन एनरिच्ड तो एक ये भी टिप है uh, पानी ज़्यादा पिए प्लीज ठीक है और आई आई विल नॉट रिकमेंड कि ड्रग्स ली जाए लेकिन अगर लाइक like, मेरे टू हंड्रेड का भी बैच है इसमें से होते हैं दो तीन स्टूडेंट्स जिनके लिए स्ट्रेस को मैनेज करना डिफिकल्ट होता है तो उन दो वन आर टू स्टूडेंट्स के लिए मैं बात कर रही हूँ पेल्पिटेशन इज एन इशू इस तो इसकी वजह से इसको अपनी यू नो आ, जो स्लीप है इसको ना कंप्रोमाइज़ करें आ, वो हम करते हैं ना अपने के बेनिफिट्स आउटवे वाली बात तो ये बेनिफिट्स आउटवे वाली बात है मेडिसिन मेडिसिन के अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं लेकिन इतने ज़्यादा नहीं होते कि आप सोई ना पेंशन लेते रहें इंटराटी लेते रहें पेल्पिटेशन लेते ठीक है तो इंटर ली जा सकती है

और अगर रात को कोई मसला है ना तो लाइक स्लीप इंड्यूजर लिया जा सकता है साइड इफेक्ट्स नहीं होते लोडोज तो मैंने लिखे हुए दी है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस सॉरी मसल फिटिकनेस भी हो जाती है कब से तो बैठे हुए हो तुम लोग और आज के दिन दिन भी यू नो होगी ऑबियसली बहुत सारी चीजें रिवीएन के लिए और कल भी काफ़ी देर एग्जाम के लिए बैठना है तो पैरासिटामोल आप ले सकते हो आप यू you नो know, के आ, हम ले सकते हैं क्यू में टू टैबलेट्स तो ये बड़ा मैजिकल ड्रग है पी ये साथ भी ले जाना पेपर टू में जरूरत पड़ती है मतलब पेपर बंद देने के बाद काफ़ी एग्जास हो चुके होते हो तो ये कुछ ना ड्रग्स रिलेटेड बातें हैं मैं इनको यू नो इनकेज नहीं करी कि सब खाओ सब खाओ आई एम यू नो टॉकिंग अबाउट ओनली फ्यू स्टूडेंट्स इनके लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट स्लीप मैनेजमेंट इज अ रियल इशू ठीक हो गया अच्छा फिर घर घर से जाने से पहले ना रोल तो नंबर सली प्लीज ले जाना साथ में एन आई ले जाना जो कपड़े कल पहनने है हैं और गर्म कपड़े सर्दियाँ थोड़ी सी वो देख लीजिएगा और सुबह के वक्त कोई अपने लिए पढ़ाई वाला माहौल ना रखें रिलैक्स रहें चिल करें अच्छी से नमाज पढ़ें जिर जिर दवी जो आपके रिलीजन के मुताबिक मेडिटेट करना होता है वैसे करें लेकिन यू नो पीसफुल तरीके से जाएं okay. जरूर नाश्ता करके आप लोगों ने जाना है पानी की बोतल साथ ले जाएं ठीक है पीसीएम साथ ले जाएं और एग्जामिनेशन uh, हॉल में आपने थर्टी मिनट्स बिफोर पहुंचना है ठीक है हमेशा हर बैच में दो तीन बच्चे एग्जाम नहीं दे पाते बिकॉज वो थोड़े लेट जाते हैं प्लीज डोंट डू दिस तो आठ घंटे की नींद के बाद जब उठोगे ठीक है तो कोई चीज़ मैसी नहीं होगी कपड़े तैयार होंगे आप लोगों के जूते तैयार होंगे जो आपने पहन के जाने रोल नंबर स्लिप स्लीप तैयार होगी ठीक है छोटा सा लंच बॉक्स साथ ले जाएँ वहाँ आ, बेहतर है कि अपना एक छोटा सा सैंडविच ले जाए पेपर ब्रेक जो होती है पेपर बनोटो के दरमियान बहुत ज़्यादा हैवी ना कुछ लेके जाए बस एक स्माल सा सैंडविच जरूर ले जाए क्योंकि लाइक दिमाग को हाई बुक लेकिन पसंद नहीं है तो घर से ही ले जाओ साफ़ सुथरा सा ठीक है और घर से ले जाने वाली चीज़ें मैं बता रही हूँ स्माल कोई सैंडविच ले जाए हेल्दी फूड कोई भी जो भी आपको पसंद है अकॉर्डिंग टू यूर ओन ओन टेस्ट पीसीएम जरूर ले जाना सात फार सेकंड पेपर पानी की एक बोतल ले जाना लेकिन थोड़ा नीम गर्म पानी ठंडा ना लेके जाना फिर खांसी करते रहोगे बैठ के तो और पहले पहुँचना है थर्टी मिनट्स में बहुत और ब्रेकफास्ट को तो बिल्कुल स्किप नहीं करना ठीक है अगर आप आपको कुछ लोगों को मोनिटर की स्क्रीन से मसला होता है तो वो लेके जा सक सकते हैं आ, वो, आ, जो ब्लू लाइट को प्रिवेंट करती हैं ग्लासेस उस मॉनिटर को आपने काफी देर तक इस्तेमाल करना है तो हेड नहीं होगा हेडेक हो जाएगा तो फिर आप स्कोरिंग वाले क्वेश्चन नहीं कर सकते या क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन वाले नहीं कर सकते हैं uh, है और इफ यू टू टेक नैप तो आई कवर साथ ले जाए ठीक है कहीं भी बैठ जाए तो वो आई कवर लगा लें थोड़ा तो आपको सुकून मिलेगा ठीक है uh, नहीं और प्रोमोटराइजल मार्क की जरूरत नहीं है अलाउ नहीं होता है ठीक है अगर कोई आप को लाइक बैकेक का मसला है और वहाँ की चेयर तो बहुत आ, होती है मतलब आपके हिस्से में आ गई तो तो फजूल चेयर तो बैक्सपोर्ट लेके जा, 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 जा आप जा सकते हैं ठीक है तो बता दीजिएगा अपना मेडिकल रीज़न तो उसमें क्या होना है तो लेके जा सकते हो ये चीज़ें ऑप्शनल है हैं बट पहले पहुँचोगे तो डिस्कस कर लोगे ठीक है ओके okay. okay. प्लीज़ अटेंड वॉशरूम पीसफुली बिफोर यूर एग्जाम ठीक है और ये बहुत बड़ी टिप दे रही हूँ तुम सबको मैं तो घर से ही आपने ना इजी होके जाना है ठीक है और आ, कपड़े ऐसे चूज करें कि कंफर्टेबल रहो ठीक है जो भी आपको आ, जो लिबास पसंद करते हो वो ले लो लेकिन गर्म हो ठीक है थोड़ा सा और ताकि वो फिर अगर आपको लगता है टेम्परेचर कंफर्टेबल नहीं है तो आप उसको रिमूव भी कर सको जैसे जैकेट है पहन लिए उतारती ठीक है कुछ साथ में एक दो चॉकलेट्स लेके जाई जा सकती हैं मैं तो लेके जाती थी और बड़ा अच्छा इससे एक इंस्टेंट एनर्जी मिलती है और कुछ क्वेश्चन के लिए तो ये बहुत ज़रूरी होती है और ये वो मॉनिटर जिनको ट्रबल होती है मॉनिटर की लाइट्स और सम टाइम आपके हिस्से में जो मॉनिटर आता है वो बड़ा फ्लिकर भी कर रहा होता है उसकी लाइट ना कर रही होती है फ्लिकर इतनी स्टेबल नहीं होती और वोल्टेज के भी इशूज होते हैं कुछ सेंटर्स में तो ये ले जाइएगा अगर अगर अब नहीं है तो प्लीज इसके पीछे मत भाग घर में पड़ी है तो इट्स ओके नहीं पड़ी तो इट्स ओके और तो ये कोई हवा नहीं है कोई ऐसी बात नहीं है अब तुम सब इस ये ये ठीक इसे इस, इस, इस ग्लासेस के पीछे पड़ जाओ लेकिन ये जिन जो इस्तेमाल करते हैं वो इससे काफी कंफर्टेबल होता है ठीक है यहां तक हम्म hmm, ओके okay. चलो फिर बाकी बस अल्लाह का नाम लेके आपने स्टार्ट करना है ठीक है टेल यूर सेल्फ यू कैन डू इट और हर एक के लिए मुश्किल होती है कुछ क्वेश्चन हर एक के लिए मुश्किल होते हैं कुछ होते ही मुश्किल नहीं सबके लिए होते हैं आपके लिए भी होंगे उन्हीं पे नहीं बैठना तो जल्दी से उनको स्किप करके चले जाएँ और सारे क्वेश्चन जो आपने जिस जिन पे आपको टाइम चाहिए वो एंड पे रखिएगा ये ना हो कि जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो भी फिर साथ में चले जाएँ तो हर वो क्वेश्चन चाहे वो स्कोरिंग का है स्टेजिंग का है क्लिनिकल है या आपको आता ही नहीं है उसको आप स्किप करते जाएँ ठीक है उसको फिर आपने एंड पे करना है और कुछ बहुत लंबी चौड़ी एजम्प्शन नहीं बनानी जो चीज़ है बस वो वैसी ही है ठीक है जो बसवर है बसवर की ब्यूटी ये होती है कि वो क्लियर होता है वो ऐसे हिडन ओबियस नहीं होता ठीक है तो आ, ये टिप्स हैं प्लीज मैं दोबारा रिवाइज कर दूँ पहले तो टाइम पे पहुंचोगे तो वो जो आपकी स्ट्रेस हार्मोन है वो स्टेबल हो, वो पीक वो बेस लाइन पे होंगे पेल्पिटेशन वगैरह नहीं होंगी कंफर्टेबल हो ठीक है अच्छा फिर इजी क्वेश्चन आपने पहले लेने हैं और बी केयरफुल कि वो पूछ क्या रहे हैं लीस्ट पूछ रहे हैं एक्सेप्ट पूछ रहे हैं कॉमन पूछ रहे हैं बेस्ट पूछ रहे हैं ये इन क्वेश्चन पे ह्यूमन एरर है ठीक है कुछ लोगों के लिए इन क्वेश्चन में वो काफी अच्छे होते हैं अप्रोच करने में कुछ नहीं होते ठीक है तो लेकिन ये बस वर्ड मिस हो जाते हैं या तो जल्दी की वजह से या ओवर लुक करते हो या आप यू नो जल्दी में आप ना क्विक रीडर हो जल्दी जल्दी स्किप करना चाहते हो चीजें प्लीज डोंट डू दिस ये चीजें नजर नहीं आती तो इसका ये की तरीका है कि हर क्वेश्चन को एटलीस्ट टू और मुझे तो तीसरी दफा पढ़ने पर क्वेश्चन समझ आता है ठीक है तो इसीलिए और चाहे जो इजी भी है प्लीज ट्राई ये आपने मुझसे वादा करना है कि हर क्वेश्चन को ना आपने दो या तीन दफा जरूर पढ़ना है ठीक है फर्स्ट क्वेश्चन आपके हिस्से में जो आएंगे मे भी वो डिफिकल्ट हो बट आपने पैनिक नहीं होना ठीक है गुड टाइम मैनेजमेंट रखनी है केयरफुली uh, क्वेश्चन को पढ़ना है बस वर्ड स्पीक करने है और uh, एक दफ़ा जो इतना इतना ओवर यू नो थिंकिंग करके अगर कोई की बना ली है तो बस वो बना लें फिर उसको चेंज ना करें अगर आप हंड्रेड परसेंट श्योर ना हो ठीक है तो और अजम अज्यूम कुछ नहीं करना कि ये होगा तो वो होगा जो चीजें होती हैं वो होती हैं जो चीज़ें नहीं लिखी वो नॉर्मली होती हैं जो चीजें लिखी है वही अब नॉर्मल होती है तो ऐसे नहीं फील ढूंढ बातें कि नहीं लिखी हुई और ऐसी ही होगी और एग्जामिनर के दिल में क्या है ठीक है एग्जामिनर के जो दिल में था ना उसने पेपर में डाल दिया है और फिर भी क्वेश्चन होंगे कुछ पांच पाँच क्वेश्चन सबके लिए मुश्किल होते हैं मेरे लिए भी इवन इफ अगर मैं अब भी पेपर पढ़ मेरे लिए भी मुश्किल होंगे तो उनके पीछे पूरा पेपर नहीं खराब करना ठीक है क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का ना तरीका यही है कि दो दफा पढ़ो दो दफा पढ़ोगे तो बस बट समझ आते हैं दो दफा पढ़ने के बगैर तो समझ ही नहीं आता है ठीक है और फिर आप ऑप्शन पे जंप नहीं करनी आपको जो की पसंद है उस उस क्लिनिकल स्नैरियो में या अकॉर्डिंग टू योर बस वर्ड वो आपने विजुलाइज करनी है फिर उसको स्क्रीन करना है वो जो पांच ऑप्शन है और उनमें से वो जो मिल रही है वो पिक कर लें ये तो क्वेश्चन बेहतरीन हो गया और अगर ऐसा नहीं है तो फिफ्टी परसेंट क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो कि आइडियल की नहीं मिलेगी आपको लेकिन लेकिन आप आराम से जो आपकी आइडियल की थी उसके साथ उसके साथ कंपेरेबल है तो आराम से एक्सक्लूड करते unless वो उसके साथ मैच कर रही हो ठीक है और समटाइम सारी की सारी ठीक है तो फिर उन जो उन सब में बेहतर है ना वो चूज थिंक लाइक 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 अभी एक क्वेश्चन में डिस्कस कर रही थी हाँ हाँ मैं तो दो ऑप्शंस देती हूँ अभी अभी दस मिनट पहले की बात है ना हमने एक एक कुछ क्वेश्चन किए थे उनमें मैं अपनी आपको बता रही हूँ तो आ, प्लेसेंटा रिमूव नहीं हुआ टेन मिनट हो गए तो व्हाट यू विल डू अच्छा जब मैंने ये पहला दफा ये पेपर बनाया ना बिलीव नहीं मुझे तो प्लेसेंटा नजर ही नहीं आया कि ये रिमूव नहीं हुआ आई मेड अ की यार ये तो ठीक है आउट हो गया तो रेफर तो बस ठीक तो है यार आई एम सेंटा तो यही नॉर्मल प्रोटोकॉल है नो

मे भी उससे कोई बेहतर हो ही उसमें बेहतर रहेगा टेन मिनट पर तो कुछ नहीं इंटरवेंशन करते ना एक्टिव मैनेजमेंट बाय डिफॉल्ट सबकी एक्टिव मैनेजमेंट है वो नो दिस दिसनल पेशेंट वांट फिजियोलॉजिकल फिजियोलॉजिकलटिल एनलेस वो उसकी क्राइटेरिया कोई मीट करती हो कि वो उसको ब्लीडिंग हैवी नहीं है या वो हाई रिस्क नहीं है जैसे ट्विंस हैं तो फिर आप देखें कि अपने क्या करना है मतलब दस मिनट पर आप, आप अपने आप को एज्यूम करें यहाँ कॉमन सेंस में लगा लें कि अगर आप भी डिलीवर कर रहे हो पेशेंट को एट टेन मिनट आपने क्या करना है वेट ही करना है ना आप दस मिनट पे तो नहीं वो उसके पीछे पड़ता है जी लग दो शिफ्ट करो ओटी ओटीओ निकालो ठीक प्रोटोकॉल तो फॉलो करना है तो एट टेन मिनट यू आर नॉट बट इंटरवेंग यू विल इफ विल ब्लीड आर थर्टी मिनट विल पास ठीक है तो ऐसी मिस्टेक्स नहीं कर रही है ह्यूमन एरर सबसे हो जाते हैं बट हाउ वी कैन मिनिमाइज है By रीडिंग द क्वेश्चन टू टाइम्स ठीक है और ये जो चीजें समझ आती है ना तब आती हैं जब नींद पूरी हो जब शुगर लेवल्स आपके ब्लड में, में नाश्ता करके गए हो ठीक है और आप टाइम से पहले पहुंचे हो क्योंकि जो पैल्पिटेशन होती है ना बैकग्राउंड में इससे भी चीजें नहीं होती tremors जो हो रहे होते हैं नहीं समझ आती बिलीव मी अच्छे 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 अच्छे, अच्छे, अच्छे लोग क्वेश्चन खराब कर देते हैं और आप बहुत अच्छे कैंडिडेट भी हो सकते हो बट ये दो ये पाँच रीजन हैं जो जो कि ट्रबल uh, कर सकती हैं डोंट डो दिस ठीक है होपफुली इस होपफुल्पल के साथ समझ आ गया होगा दूसरा ये uh, दोबारा बता दो स्टेप वन रीड द स्टेटमेंट केयरफुली टू टाइम्स फिर बस वर्ड क्लिक होंगे वरना तो बस वर्ड क्लिक कर ही नहीं होते ठीक है बस वर्ड तो फिर ही नहीं होते अच्छा अभी आई एम का भी पेपर करवा रही थी मैं तो उसमें भी अभी यही हुआ कि पोलियोहाइड्रोन yeah, 26. 26 था ट्वेंटी जब वो कह रहे हैं तो ना दिस इज ऑल्स तो वो सारी ऑप्शन जिसमें किसी भी किस्म की नॉर्मली पॉसिबल थी वो आउट होते है और हमें पता है कि अम्यूनो हाइड्रोक्स मिलते नॉर्मली होती नहीं ठीक है तो वो फिर आराम कमेंट नहीं था टाइटल पे या अम्यून है नाम अम्यून, अम्यून है कुछ भी नहीं लेकिन वो आराम से पिक हो रहा था ठीक है तो दो दफा पढ़ते हो तो फिर वो बस वर्ड आपके दिमाग में आता है पढ़ना नहीं आता ठीक है अच्छा तो फिर आपने आइडियल की देखनी और अगर नहीं है तो फिर आपने वन बाई वन बाई एक्सक्लूड करना है ठीक है चलो तो यहाँ तक क्लियर है हम्म ओ भाई सवेर माइग्रेन वाले बच्चों एग्जाम ही तो है इतने सारे पेपर दिए हैं नौशीन इतने सारे पेपर दिए हैं ये पेपर तो कुछ भी नहीं है फाफा डॉक्टर्स चैलेंजेस एंड एग्जाम्स आर यू नो पार्ट ऑफ देयर लाइफ हम नहीं ऐसा नहीं करना

हमारी <laughs> जो मिस्टेक्स हैं वो थर्टी फोर थर्टी फाइव होंगी या मे भी शाम तक एक दो और भी निकलना है तो चलो मान लिया थर्टी सिक्स बन गई तो बिलीव मे तो पूरे कोर्स की मिस्टेक्स है ना थर्टी सिक्स आप, आप पूरे एफ सी पी एस आपका जो कर, पूरा एग्जाम है उसमें आपके पास ख़राब करने की क्वेश्चन की ऑप्शन भी फिफ्टी तक होती है कुछ तो ज़्यादा हो गया फोर्टी तक होती है क्योंकि परसेंटाइल पे होता है ना तो ये जो है ना फिर भी आप पास हो जाते हो ठीक है फिर भी आप जाते एक्सपेक्ट यू हंड्रेड परसेंट पेपर हल करके आओ सभी करते हैं सभी करते हैं लेकिन हमने उनको मिनिमाइज करना है ठीक है एक तो टॉपिक पढ़ा ही नहीं तो आता ही नहीं तो चलो जान छुटी आप क्या रेग्रेट पढ़ा ही नहीं आपने इतनी एफर्ट की है और आपको आता भी है फिर आपकी जो मिस्टेक्स हैं कि आप दो दफा नहीं पढ़ते ठीक है आप लॉजिकल या एक स्टैंडर्ड uh, वे में पेपर अप्रोच नहीं करते टाइम पे नहीं पहुंचते सोते नहीं हो खाते नहीं हो जल्दी में यू नो अटेम्प्ट करते हो फिर ये तो बुरी बात है ना ऐसा नहीं करना इन चीजों को हम यू नो मिनिमाइज़ भी कर सकते हैं किया जा सकता है जो मैं आपको टिप्स दे रही हूँ चलो ओके सिंगल बेस्ट स्टेप्स में हाँ वेन ऑल आर करेक्ट ऑप्शन फिर बंदा क्या करे <laughs> फिर क्या करे <laughs> अच्छा अच्छा की ब्यूटी है इसमें सारी ऑप्शंस करेक्ट नहीं होती वो इसमें से दो बहुत ही करेक्ट होती हैं बहुत ही करेक्ट ठीक है अच्छा हंड्रेड टू हंड्रेड क्वेश्चन हैं जैसे आप लूली क्यूमिया में और एनी प्लस वो पैन में बात हो रही थी ये सबके लिए डिफिकल्ट है इंक्लूडिंग मी ठीक है बट इस तरह के क्वेश्चन पूरे पेपर में कितने हो सकते हैं हार्डली ये पांच से या छोटे खराब तो हो भी जाएं, तो आप फेल हो सकते नहीं हो सकते हंड्रेड क्वेश्चन है तो यू हैव टू ऑन एवरेज स्कोर सेवन इन वन पेपर एंड सेवन इन वन पेपर तो इट्स मीन फिर भी आपके पास फोर्टी फिफ्टी का मार्जिन है आप फिर भी पास हो रहे हो मैं ये नहीं कह रही कि गलत ही करके आ रही है मैं ये बता रही हूँ कि जिन क्वेश्चन में यू नो हमेशा दो क्लोज ऑप्शन है उन पर दिल खफा नहीं करना वहां बैठ बैठ नहीं जाना उधर जो उस रियल स्नैरियो में आपको मोर लॉजिकल या मैं ये कहूँ मोर फिजियोलॉजिकल या कॉमन सेंस के करीब लगे तो वो पिक कर लें और उसे जान छोड़ाएं बिकॉज वो एक टेम्पटेशन होती है उस पर बैठ के सोचने की एक दो मिनट जया हो जाते हैं हार्डली हर क्वेश्चन के लिए आपके पास एक मिनट है एग्जाम हार्डली क्योंकि कुछ क्वेश्चन के लिए आपने डेढ़ मिनट मिनट भी रखने हैं ठीक है ओके सो व्हेन ऑल ऑप्शंस तो जो बजवर्ड के साथ क्लोज ज्यादा है या जो आपकी पूरी मैनेजमेंट को हिला सकती है ना ऑप्शन वो फिर आप चूज करेंगे ओके सो okay, so, और सारी ही इनकोरेक्ट है तो फिर क्या करें फिर एक होती है छोटी छोटी मासूम सी इनकोरेक्ट ऑप्शन और एक होती है बड़े बड़े ब्लेंडर तो जो मासूम मासूम सी इनकोरेक्ट ऑप्शन है फिर वो चुप पिक कर लें हम्म <laughs>

जीरो सेकेंड पे स्टेजिंग वाले या कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन पढ़ना शुरू किए और फिफ्टी सेकेंड पे जाके यूटिलाइज यार ये तो टाइम ले रहा है इसको छोड़ दो बाद में करो अब ये फिफ्टी सेकेंड आपके यूटिलाइज हो चुकी हैं अब आपने बाकी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए और जब आप इस पेपर इस क्वेश्चन की बारी आएगी तो अगेन यू विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो सेकेंड है ना

हाँ <laughs> होते हैं फिर भी पास ठीक है चलो ओके सो एलियन क्वेश्चंस सबके लिए मुश्किल होते हैं एक दो एक दो तो नहीं खैर चार पांच एलियन क्वेश्चंस भी आते हैं तो सबके लिए मुश्किल होते हैं हाँ तो बस उनमें आप बस ए और ई ना चूज करें बाकी अकड़ बकड़ कर लें हाँ ओके ये भी गोमन संज में बता रही हूँ हम कहेंगे मैडम ने सारा पेपर ही बता दिया ना करके नो 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 टू हंड्रेड क्वेश्चन है उसमें से पांच छह आ जाएंगे जिसमें बहुत ही यू नो क्लोज ऑप्शन होगी जो कि देखो कभी नो बडी कैन यू नो से सेनी वट इज यू नो सी पी एस पी की क्लिनिकल क्वेश्चन में डिफरेंट ऑफ ओपिनियन हो सकती है क्योंकि वो कोई ऐसे तो नहीं होते रेफरेंस मिल गया और हमने लगा दिया ठीक है यू हैव टू नेगोशिएट विद नो रियल टाइम पेशेंट वो जो आपको पेशेंट आया होगा वो स्टेटमेंट नहीं होती वो तो पेशेंट्स होते हैं ना तो आपको भी पता है कि के पेशेंट में कभी आप पैसरी दे रहे हो किसी की आप सर्जरी कर रहे हो किसी को कुछ भी नहीं कर रहे हो और किसी को लीपोर्स कर रहे हो तो वेरियस अदर यू नो थिंग्स आएंगे तो इस ये इस तरह के क्वेश्चन पांच हो गए चलो मिला लिए पांच भी ज्यादा हैं एलियन क्वेश्चन भी पांच मिला लिए और पांच पाँच आपने आपको नजर ही नहीं आए जो बस बैठते चलो मान लिया फिर भी पंद्रह क्वेश्चन खराब हो जाए तो आप फिर भी पास होते हो ठीक है तो इस तरह नहीं बैठना मतलब आपने अपनी मैक्सिमम एफर्ट करनी है मैक्सिमम हर क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम एफर्ट करनी है और जो नहीं आता तो फिर वो सबके लिए सेम है अब ये मत करें अच्छा देखो एक और बात एक क्वेश्चन डिफिकल्ट है और सबने गंदा किया आप सेफ हो यू आर वेरी सेफ एक क्वेश्चन जनाब अगर सब ने ठीक किया ना आप उसको गंदा करके आए हो <laughs> आपका बहुत ज्यादा जो है वो खा जाएंगे वो क्वेश्चन ठीक है तो ये नहीं करना जो मुश्किल है वो आप सेफ हो बिकॉज वो सबके लिए मुश्किल है जो एलियन है वो आप सेफ हो बिकॉज सबके लिए वो एलियन है अगर आप यू नो सिली मिस्टेक्स कर रहे हो आइडेंटिफाई नहीं कर रहे या या um, नहीं कर रहे या ये आपको लीस्ट बेस्ट इन करेक्ट एक नजर नहीं आ रहा स्कोरिंग नहीं आ रही तो फिर ये बुरी बात है ओके सो okay, so, यार फिर एक तो मैंने वो जो सेकंड पेपर से पहले वाले हालात जैसे सेकंड टू टूवीन

खराब था या नहीं था क्योंकि एग्जैक्टली पूरी स्टेटमेंट और फाइव ऑप्शन तो नो बडी कैन रिकॉल तो जो आपके माइंड ने परसीव किया उस रियल टाइम सिचुएशन में उस रियल क्वेश्चन पे ठीक है तो वही बेस्ट है डू नॉट टेक अदर कीजर अगर गलती हो भी जाए ना तो इट शुड भी yours, not others, other persons ठीक है तो इसलिए लॉकर हो तो उसमें लग रख दो वैसे तो मुझे दा, दा, इसी पीस पे लॉकर इतने अच्छे होते नहीं है लेकिन कोई कीमती चीज लेके जानी ही नहीं है खैर साथ तो ये, ये जो आपकी जैकेट है या जो भी आप अबाया लेके जा रहे हो या कोई भी चीज उसमें ना पॉकेट अगर है तो उस पॉकेट में आप चाहो तो सेकंड पेपर के लिए आ, रख सकते हो एक दो चॉकलेट एक पीसीएम के लिए कुछ वाटर बॉटल पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती आ, ठीक है और बाहर सामान रख सकते हो अपना लंच बॉक्स कोई नहीं चोरी करता ठीक और अगर थोड़ा सा आई रेस्ट करना है बहुत दफा ना कुछ बच्चों के साथ ऐसा होता है टू आवर्स बैठे हो गए तो फिर एकदम से ब्लैक आउट हो जाता है तो कोई बात नहीं इट्स ओके आ, थोड़ा सा यू नो आंखें बंद करके ना एक दो मिनट दें अपने आप को ताकि जो आने वाले बीस पच्चीस क्वेश्चन है ना वो ना खराब हो कुछ लोगों को हो जाती है ग्लेयरिंग इफेक्ट आ जाता है या जिन्होंने लेजर शेजर कराई हुई है या वैसा कुछ होता है वो कुछ रेयर बच्चों को होता है तो उनके लिए मैं बता रही हूँ ठीक है चाय पी ले तो अच्छी बात है सेकंड पेपर में मिल जाए तो और बस स्ट्रेस नहीं लेनी जो आपने करना था आपने कर लिया आपकी जो आ, ये एग्जाम है ये आज का या कल की पढ़ाई करनी है ये जो आपकी फोर ईयर की ट्रेनिंग है आपने इतनी एफर्ट की है इवन जो आई के लिए भी पढ़ा है या एक से एक साल पहले भी पढ़ा है वो सब इनशाला कल काम आने वाला है और ये तो आपके अल्लाह का वादा है कि जिसने जिस जितनी मेहनत की है ना मतलब वो तो उसके लिए है ये हो ही नहीं सकता कि आप एफर्ट करो राफर्ट्स राय का जाए ठीक है तो डोंट टेक स्ट्रेस डू योर बेस्ट एंड देन फॉर गेट द रेस्ट एंड बिलीव एवरी थिंग वैसे भी हर चीज एट द हेड अल, अल, अल्लाह के हाथी में है ना वट वी कैन डू हम ये कर सकते हैं कि वो हम अपना बेस्ट करें देट और इसके बाद यू you नो know, अगर आप अपने अपने बेस्ट किया है तो कोई रेगरेट तो नहीं है फिर कोई भी रिजल्ट हो और रिजल्ट अच्छा क्यों ना हो

ओके ज में बेसिकली रैंकिंग होती है Ranks होते yeah. हैं वो ये नहीं कहते कि सब बच्चे ही सेवेंटी फाइव परसेंट लेंगे तो सब बच्चे पास होंगे और सेवनटी फाइव परसेंट कोई बच्चा ले तो सब फेल हो गए नो 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 तो वो जो सबसे ज्यादा नंबर लेता है अगर उसने ही सबसे ज्यादा दा नंबर लिएवेंटी फाइव परसेंट तो वो उसको मैक्सिमम रखेंगे फिर वो देखेंगे कि वेयर यू स्टैंड तो पेपर की डिफिकल्टी देखते हुए वो इन चीज़ों को देखते हैं वो जैसे मैंने बोला है कि वो क्वेश्चन जो तो सब ठीक कर रहे हैं आप गलत कर रहे हो तो आपका ज्यादा नुकसान है और जो क्वेश्चन सब गलत कर रहे हैं अगर आपसे भी गलत हो गया तो कम नुकसान है चलो तो फ्रेंड <laughs> <laughs> मैं इधर नहीं हूँ मैं वेल करती हूँ okay. <laughs> चलो तो ये मैं आपको दोबारा बता दू चेक लिस्ट ये वाली चेक लिस्ट है ये स्कोर्स है हाँ ये वाले स्कोर ये प्लीज आप इनको स्क्रीनशॉट ले लो और अगर कुछ कर सकते हो ना आज तो बस ये कर लो इन्हीं इन्हीं इसी जो मैंने टेबल बताई है ना आप लोगों को इसी टेबल से आ, जो क्वेश्चन आएंगे ना उनमें प्रोबेबिलिटी बाकी कैंडिडेट्स की रॉन्ग की स्पीक करने की ज्यादा है उन कैंडिडेट्स की निस्बत जो इनको आज ही रिवाइज करके जाएंगे ठीक है और एनीथिंग एल्स विच यू वॉन्ट टू आस्क हम्म चलो गुड लक देन हाँ बस मैंने थोड़ा तो ज्यादा टाइम ले लिया मेरा तो था दस मिनट लूंगी लेकिन मैंने थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले लिया बट नो वरीज अब अभी ये टॉपिक्स देख लो ठीक है और ये सारी बातें आपने तल्लू से बांध रही है हम्म mm -hmm.